प्रस्तुत वीडियो में हमने किसी भी जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाई है, न ही किसी भी धर्म को हानि पहुंचाई है। ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। अगर किसी को भी ठेस पहुंचे तो हमें क्षमा करे। महाराज, तुम गुरु को अमरता का वरदान दे दीजिए। स्वर्ण भगवान, ये तो मैं नहीं दे सकता, परंतु तीन जीवन दान देता अपने राजा के प्रति निष्ठा देख कर मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें भी तीन जीवन दान देता हूँ और अलौकिक स्वर्ण शक्ति प्रदान करता हूँ। सेनापति असुर की मृत्यु हुई, राजा के प्रति निष्ठा थी, उसे स्वर्ण लोक जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं स्वर्ग लोक कैसे आ गया, मुझे शीघ्र ही वापस राजा दात्यासुर के पास जाना होगा। यहाँ स्वर्ग का रखवाला क्या कर रहा है? प्रणाम स्वर्ण करपाले। तुम तो दात्यासुर के सेनापति हो। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्बुरु के सेनापति से पराजित हो गया था। मैं तुम्हें कुछ शक्ति प्रदान करके धरती लोक भेज रहा हूँ। अब मुझे सेना के बिना ही युद्ध करना पड़ेगा। उससे पहले मुझे दात्यासुर के दांत राजा तुम्बुरु से चुराने पड़ेंगे, जिससे मुझे शक्ति प्राप्त होगी। सेनापति जी महाराज, गद्दार नगर के क्या समाचार है? हमारे गुप्तचर से पता चला है कि गद्दार नगर का सेनापति अभी भी जीवित है। जीवित है? क्या तुमने उसे अपने हाथों से मारा नहीं? मैं सत्य बोल रहा हूँ महाराज, मैंने अपने हाथों से उसे मारा था। ये बात अब सेना तक सीमित नहीं है, मुझे स्वयं रण में उतरना पड़ेगा। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मुझे एक और अवसर दीजिए। इस बार मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा और उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दिया जाइए। जी महाराज। क्षमा कीजिए महाराज। क्या हुआ? हमारे राज्य से दात्यासुर के दांत चोरी हो गए हैं। तत्काल प्रस्थान कीजिए, दात्यासुर के दांत इतने शक्तिशाली है कि अनंत हो जाएगा। जी महाराज। नहीं, इस बार इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। कुछ दिनों की खोज के बाद दोनों एक दूसरे के समक्ष आ ही गए। दात्यासुर के सेनापति, दात्यासुर के दांत और तेरे दांत साथ ही ले जाऊंगा। रुक जा, तू जीवित कैसे हुआ? युद्ध पे ध्यान दे।
ऊपर क्या देख रहा है, इस बार आकाशवाणी नहीं होगी। इस बार एक लाश से मृत्यु नहीं होगी। चला लेके दुनिया स्वर्णीय महाराज। बोलिए। सेनापति स्वर्ण देव की मृत्यु हो गई है। ठीक है। सेनापति की मृत्यु कैसे हो सकती है? अब मुझे स्वयं बिना किसी को बताए युद्ध के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। ये तो स्वर्ग लोक है। मेरे छलावे की दुनिया में शत्रु की ऐसी प्रतिशत शक्तियाँ मेरे पास आ जाती है। परिणाम स्वरूप अर्शुर की शक्तियाँ तो मैंने प्राप्त कर ली थी, परंतु दात्यसुर के दांत की शक्ति मैं प्राप्त नहीं कर सका और यही मेरी मृत्यु का कारण बना। छलावे की दुनिया स्वर्ण युग। छलावे की दुनिया मृत्यु का ज्ञान। अर्जुन तुम पराजित हो चुके हो, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। अभी नहीं ईशान, तुम्हारी मृत्यु आई है। दात्यासुर से युद्ध होने के कुछ वर्ष पूर्व राजा तुम्बुल और स्वर्ग के रखवाले के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राजा तुम्बुल की निर्णायक हार हुई। तीन जीवन दान का वरदान प्राप्त होने के कारण राजा तुम्बुल जीवित हो गए। अब राजा तुम्बुल वह देख रहे हैं, जिसे देख वह स्वयं आश्चर्यचकित रह गए। स्मृतियां है जो
मुझे दिखाई दे रही है। असुर को अपनी मातृभूमि पर अधिकार करने नहीं दे सकता। ईश्वर का रखवाला कैसे बन गया? इसे तो दांते सुन ने मार दिया था। शायद यही सब असुरों को धरती लोक में भेज रहा है जीवन दान देने। सेनापति यहां क्या कर रहे हैं? सेनापति सेनापति तुम यहां क्या कर रहे हो? क्षमा कीजिए महाराज, अर्शुर ने मुझे परास्त कर दिया था। अर्शुर ने तो मुझे भी परास्त कर दिया। आप भी परास्त हो गए? यह तो असंभव है महाराज। उसके पास दांत के असुर के दांत की शक्ति है जिससे मैं भी परास्त हो गया। अब उसके समक्ष हमें एक साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। चलिए। जी महाराज। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तुम दोनों फिर से आ गए परास्त होने। छलावे की दुनिया, छलावे की दुनिया। मृत्यु का ज्ञान 100%। तुम यही रुको सेनापति। जी महाराज। हमारे राजा दात्यासुर संसार में सबसे महान राजा थे। चुप! तुम्हारे जैसे तुच्छ लोगों के कारण ही ये संसार अंधकार में है। हम तुच्छ नहीं है, हम तुम्हारे राज्य सिंहासन अपने राजा को भेंट करेंगे। वो दात्यासुर, उसको तो हमारे सेनापति ने ही परास्त कर दिया था, वो क्या सिंहासन संभालेगा? तुम दोनों को तो मैंने अकेले ही परास्त कर दिया था। पर अब नहीं, इस बार तुम परास्त हो 100%। निर्बल है, उनको राज सिंहासन से हट जाना चाहिए। हमारे सेनापति ही शक्तिशाली है, उन्हीं को राज करना चाहिए।